गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक फेस मॉइस्चराइजर का, जिसे मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और ये मुझे एक बार कोलैबोरेशन में आया था, मैंने खुद परचेज़ नहीं किया है, मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझे ये भेजा गया था। बट मैंने इसे यूज़ किया है, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। बट वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरीके के स्किन केयर एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सा वो प्रोडक्ट है जल्दी से बता देती हूँ। दिस इज़ अ प्रोडक्ट, ये टैक कंपनी का है, T.AC, इट्स है द आयुर्वेदा कंपनी। तो आयुर्वेदा कंपनी का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने किया हुआ है TAC। और ये मॉइस्चराइज़र है कुमकुमादी फेस मॉइस्चराइज़र। सो कुमकुमादी क्या है? कुमकुमादी तेलम आयुर्वेदा में बहुत टाइम से यूज़ होता आया एक ऑयल है, जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक ऑयल बनाया जाता है। इसमें सैफ्रन रहता है और भी हर्ब्स रहती हैं, लिक्रोस रहता है। और उस तेल को यूज़ किया जाता है आपकी स्किन को यूथफुल बनाने के लिए। और ये आयुर्वेदा में बहुत ही फेमस है, साउथ इंडिया में खासकर ये बहुत ज़्यादा बनता है। बट अब कंपनीज जो हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑयल जब आप फेस पे लगाते हैं तो वो रह जाता है, चिपचिपाहट रह जाती है, उन सब को दूर करने के लिए अब कुमकुमादी जो है वो प्रोडक्ट्स में यूज़ होने लग गया है। और इस कंपनी ने ये मॉइस्चराइज़र में यूज़ किया है कुमकुमादी और सैफ्रन एंड 24 कैरेट गोल्ड के फ्लेक्स इसमें इन्होंने मिलाए हुए हैं। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो सिंपल सी पैकेजिंग में है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट वाली पैकेजिंग नहीं है, सिंपल जैसी पैकेजिंग होती है वैसी ही पैकेजिंग है। ये जो प्रोडक्ट है ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है और इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है द आयुर्वेदा कंपनी कुमकुमादी फेस मॉइस्चराइजर सैफ्रन एंड 24 कैरेट गोल्ड अल्ट्रा लाइट फील। तो मैं इसको ना आपको दिखाती हूँ, ये देखो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट की है एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है और बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड लुक एट दिस, कैन यू सी, ये चमक देखो आप, तो एक अच्छी सी चमक आपकी स्किन में ये प्रोवाइड करता है। एंड इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ऑसम, इसकी फ्रेगनेंस है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। आई मीन कि माइल्ड से थोड़ी सी ज़्यादा इसकी फ्रेगनेंस है, तो हो सकता है कुछ लोगों को इसकी फ्रेगनेंस पसंद ना आए, बट पर्सनली मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बैक साइड पर बता देती हूँ क्या क्या लिखा है। तो उन्होंने लिखा हुआ है एक्टिव मॉइस्चराइज फ्लॉलेस एंड रेडियंट स्किन विद दिस इंटेंसली हाइड्रेटिंग TAC कुमकुमादी फेस मॉइस्चराइजर। इसमें इन्होंने बताया है क्या क्या है, इसमें 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स का इन्होंने लिखा हुआ है, बट पता नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट ही होता है, गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा है तो इसमें कैसे उन्होंने फ्लेक्स डाली होंगी, थोड़ा सा थोड़ी सी चुन के दो तीन ऐसे डाल दी होंगी, बट प्रोडक्ट में गोल्ड मुझे ये हजम नहीं हो रहा। 24 कैरेट गोल्ड का तो मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि मुझे बिलीव नहीं है, हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा डाला हो, बट गोल्ड यार 60-70 हज़ार रुपये चल रहा है तो नहीं। बट उसके साथ साथ इन्होंने इसमें सैफ्रन डाला हुआ है, तो सैफ्रन मैं मान सकती हूँ वो है इसमें, सैंडलवुड ऑयल है और उसके साथ मुलेठी एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारे जो इन्ग्रीडियंट्स हैं ये आपकी स्किन को यूथफुल बनाने में मदद करते हैं। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि ये ब्राइटन करते हैं स्किन को, तो हाँ ये स्किन को ब्राइट करता है, आप देख सकते हैं स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ब्राइटनेस ये प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी इम्प्रूव करता है, यस ये इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव करता है, जो आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा लटकी हुई है, थकी थकी नज़र आती है, डल है, तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। फाइट्स डार्क स्पॉट, तो डार्क स्पॉट से तो मैं सदियों से परेशान हूँ, तो उसका तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि कम करता है कि नहीं करता है। मेरे नाक पे जो झाई है वो अभी तक है, तो डार्क स्पॉट ऐसा नहीं है कि इसने
खत्म कर दिए, बट हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर आपके बिल्कुल माइल्ड डार्क स्पॉट हैं तो उन पे ही ये काम करेगा। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि ये पिगमेंटेशन पे भी काम करता है, तो डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन इज द सेम थिंग। और इसको आपने कैसे यूज़ करना है, तो दो टाइम आपको यूज़ करने की इसमें सलाह दी गई है। मैं एक ही टाइम लगाती हूँ क्योंकि नाइट में मैं नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, तो दिन में ही मॉर्निंग में मैं इसे लगाती हूँ। मैं इसका पूरा आपको लगाकर भी दिखा देती हूँ, मसाज करके भी दिखा देती हूँ, तो उसके साथ साथ इसके जो बेनिफिट्स वैसे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, बट और बेनिफिट्स भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है। सो मेरे पास टैग का ही फेस वॉश है, उसके साथ अच्छे से फेस वॉश करने के बाद मैं ये कुमकुमादी फेस मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और ये ड्राई, ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, इंटेंस मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है और मेन एंड वीमेन दोनों के लिए है। इस बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें सैफ्रन है जो स्किन को ब्राइटर एंड इल्यूमिनेट करने में मदद करता है, सैंडलवुड ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट पे काम करता है, और लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, शिया बटर स्किन को नरिश करता है। अगर आपकी भी ड्राई एंड अनइवन स्किन टोन है, स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो आप इसे मंगवा सकते हैं और 21 दिन तक आपको इसको लगातार यूज़ करना है। इंटरनल सर्वे के अनुसार 94% तक लोगों को इससे फ़ायदा मिला है और एक महीने के बाद ही उन्हें विजिबल चेंजेस अपनी स्किन में देखने को मिले हैं। तो जैसे मैंने मसाज किया है, आपको भी इसी तरीके से मसाज करनी है और लगातार कम से कम 1-2 महीने तक आपको उसको यूज़ करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपनी डल स्किन से परेशान हैं या आपने बहुत सारे मॉइस्चराइज़र ट्राई करके देख लिए बट फिर भी आपकी स्किन में जो एक एसेंस होता है, जो एक यूथफुलनेस होती है, वो नहीं आ रही है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला मॉइस्चराइज़र ज़रूर ज़रूर ऑर्डर करके देखें। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ 279 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। 50 ml का प्रोडक्ट है और काफ़ी टाइम चलता है, इसको थोड़ी सी क्वान्टिटी आपको लेनी होती है और ये लाइक 2-3 मंथ्स तक आपका ये काम कर जाएगा। मैं कब से इसको यूज़ कर रही हूँ ना, अभी भी ये काफ़ी हद तक बचा हुआ है और आगे भी चलता रहेगा, एंड अच्छा रिजल्ट इसने प्रोवाइड किया है, तो ही मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ इसका आपके साथ। ऑर्डर कहाँ से करना है, तो आप इनकी जो वेबसाइट है TAC.in आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से आप परचेज़ कर सकते हैं या फिर अमेजन से भी परचेज़ कर सकते हैं। सारी जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उन पर ये अवेलेबल है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। मेरे लिए इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं। सो अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या कि आपने भी ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, और कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।